देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भअवस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहाँ जग जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई है। उसके इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई है। वे आनंदमग्न और अत्यंत प्रकाशित होने लगी हैं। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आघान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपने प्रिय शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब नवा महीना बीत गया और उस और दसवां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। इस अवसर पर अघात शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई, अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए, सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का सत्वन किया। नारद, जब देवता लोक स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति कर देने वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरी प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष से बोली, मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में अघात शक्ति तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनी रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले का पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो, मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथा अस्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी।
भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों को संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ओम हर हर महादेव।